स्वागत करते हुए मैं आज के कीनोट स्पीकर रिस्पेक्टेड डॉक्टर दिनेश चहल जी को आमंत्रित करती हूं और मैं उम्मीद करती हूं कि सारे स्टूडेंट्स ना केवल उन्हें सुनेंगे बल्कि अपने क्वेश्चंस भी प्लेस कर सकते हैं ताकि सेशन इंटरेक्टिव रहे। डॉक्टर दिनेश चहल जी। डॉक्टर सविता मैम, प्रिंसिपल ऑफ द कॉलेज, इन एब्सेंसिया परम श्री डॉक्टर पूनम सूरी जी, डॉक्टर विजयवंती, डॉक्टर अर्चना, डॉक्टर जितेंद्र ढुल जी, मिसेज रेखा मैम, और मैं देख पा रहा था मेरे पुराने साथी हैं डॉक्टर अमित शर्मा जी, हम पंजाब यूनिवर्सिटी में इकट्ठे रहे, आपके संस्कृत के प्रकांड पंडित मैं कहूँगा विद्यार्थी जीवन में भी, और आपके कॉलेज में भी अच्छा कर ही रहे होंगे, हमारे पुराने साथी हैं वो भी जुड़े हुए हैं, अच्छा लगता हमें आपको यहाँ पे देख के, और जितने भी और दूसरे टीचर्स आपके कॉलेज से और दूसरी संस्थाओं से जुड़े हुए हैं उन सब की उपस्थिति को मैं प्रणाम करता हूँ। और जो आज का आयोजन डीएवी सेंटेनरी कॉलेज फरीदाबाद ने सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा के साथ मिलकर के किया है कि टबैको यूज प्लेजर और हार्म दोनों हो सकता है, तो उसकी बात करेंगे अभी। और उन तमाम युवा साथी जो हमारे जुड़े हुए हैं वर्चुअल माध्यम से, अच्छा होता मैं डीवी में आता और आप लोगों से इंटरेक्ट कर पाते, लेकिन मजबूरियां हैं, वर्चुअल माध्यम से हम जुड़े हुए हैं, चलिए कोई बात नहीं, उसके माध्यम से हम ज्यादा लोगों तक पहुंच पा रहे हैं, ये भी एक इसका पॉजिटिव पॉइंट है। तो आज जो हम बात करेंगे कि युवा के लिए प्लेजर और हार्म, हाँ बेचने वाले के लिए प्लेजर हो सकता है लेकिन यूज करने वाले के लिए हार्म ही होगा, ये पक्का है। और आज भारत की नहीं, पूरे विश्व जो कहें वर्ल्ड ओवर ये एक समस्या बनी हुई है, और जहां जहां देखिए युवा खत्म होगा तो देश का पतन होगा, ये सच मान लीजिए। अब मैं कई बार फिर वहां भी डाउट करता हूं, मेरा मकसद ही ये है आपसे जुड़ने का, किस लिए मैं आया हूं, क्योंकि मैं भी आर्य समाज से जुड़ा हुआ, पहले मैं बचपन में मेरी स्कूलिंग आर्य समाज से हुई, तो मैं वो डीएवी को भी वंदन करता हूं। मेरा मकसद ये है कि बिगड़ी हुई समझ को ठीक करने आया हूं, खोई हुई हंसी को रिपीट करने आया हूं, पला बड़ा इन्हीं आर्य समाज के संस्कारों में, उसी आर्य समाज का मैं कर्ज अदा करने आया हूं, उसका कर्ज अदा करने आया हूं। तो अब हम बात करते हैं, आज हम एजुकेशन बढ़ी हमारी, मैं कहता हूं शिक्षा हमारी बढ़ी, लेकिन क्या हम शिक्षित हुए, ये सवाल अभी भी है। मैं ये क्यों उठा रहा हूं सवाल, एक एजुकेशन का विद्यार्थी होने के नाते मैं पूछना चाहता हूं, उस सिगरेट के पैकेट पे या उस शराब की बोतल पे लिखा होता है ये स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, फिर भी शायद हम शिक्षित होते हुए भी उसको पढ़ नहीं पाते, या पढ़ पाते हैं तो कहीं ना कहीं उसको उस पर सोच नहीं पाते। तो जितनी भी बातें आज मेरे दिल से निकलेंगी, क्योंकि मैं मुंह से बोलूंगा तो वो बातें सिर्फ कानों तक जाएंगी, अगर मैं दिल से बोलूंगा तो आपके दिल तक जाएगी। तो मैं कोशिश करता हूं जो भी मेरा तजुर्बा है उस तजुर्बे के आधार पर आपसे मैं बातें कर पाऊं, क्योंकि मैं यहाँ कोई वन उपवन धूप धुआं धुन धुन की बात नहीं करूंगा, मैं बात करूंगा कि युवा पीढ़ी को हम इस गर्त से कैसे बचा सकते हैं, कैसे हम उनको आगे ले जा सकते हैं। और आदत तो देखिए रस्सी की तरह होती है, हर रोज इसमें अगर हम बट डालते जाएंगे ये मजबूत होती जाएगी, और उस बट को खोलते जाएंगे तो हम इसको आसानी से तोड़ भी सकते हैं, वही आदत में। और जैसा मैडम सविता भगत जी बोल रहे थे कि उन्होंने बड़ा अच्छा कहा कि हम पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ते जाएं और नेगेटिविटी को खत्म करते जाएं, यस मैडम दिस इज द मंत्र। हम अक्सर बात करते हैं नशे की, ये हानियां हैं, ये हानिकारक है, ये नुकसान है, आपने ठीक कहा, उसी बात को मैं अपने ढंग से कह रहा हूं कि हम आज से ये भी बताना शुरू करें कि इस नशों के कारण छोड़ने से क्या क्या लाभ हो सकते हैं, आप अपनी सेहत को अच्छा बना सकते हैं, आप अपने पैसे को बचा सकते हैं, आप अपने राष्ट्र को बचा सकते हैं, आप अपने जिसको समाज को स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं, तो हम उन लाभों की भी बात करें, और कहीं से भी नकारात्मक से भी सकारात्मक सीखा जा सकता है। मैं ये क्यों कह रहा हूं, क्योंकि मैंने 15-16 साल पहले की बात है, मैं हैदराबाद में था किसी प्रोग्राम के लिए, मैं बस में जा रहा था मैडम, तब मैंने देखा उस बस की सीट के नीचे एक खाली सिगरेट का पैक पड़ा हुआ, तो मेरे को उसमें कुछ लाइनें लिखी दिखाई दी, मेरे को लगा ये वैसे पढ़ लेनी चाहिए, लगा उस पर जो लाइनें लिखी थी मेरे के आज भी जहन में याद है, उस पर लिखा ये तो नहीं था कि ये युवा की परिभाषा है,
लेकिन मेरे को लगा यही युवा होता है, उस पर जो लिखा था मैं इसलिए सुनाता हूं ये हर जगह पे, क्योंकि हम नकारात्मक से भी सकारात्मक प्रेरणा ले सकते हैं। सिगरेट की डिब्बी नकारात्मक, लेकिन उससे जो प्रेरणा ले सकते हैं, उस पर जो लिखा था उससे हम प्रेरणा ले सकते हैं। उस पर क्या लिखा था कि आंखें आसमान पे होती है, पैर जमीन पे टिके होते हैं। आंखें आसमान का मतलब हमारा लक्ष्य ऊंचे होने चाहिए, पैर जमीन का मतलब हम अपने परिवार, संस्कार, सभ्यता, इनसे जुड़े रहे। कि आंखें आसमान पे होती है, पैर जमीन पे टिके होते हैं, अपनी किस्मत के तारों को अपने हाथों सजाते हैं, दुनिया की परवाह नहीं, बस चाहत और विश्वास लिए हर मुश्किल से टकराते हैं। क्योंकि युवा वही कहलाते हैं जो कुछ कर दिखाते हैं, जो कुछ कर दिखाते हैं। तो इस तरह का मादा, इस तरह का जज्बा रखने वाले हमें युवा चाहिए। क्योंकि ठीक है, हमें तोप की जरूरत पड़ेगी, बंदूक की जरूरत पड़ेगी, हवाई जहाज की जरूरत पड़ेगी, हम विदेश से खरीद लेंगे, यूएसए से खरीद लेंगे, रशिया से खरीद लेंगे, चाइना से। लेकिन अगर इस देश को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए जरूरत पड़ेगी, वो है आपकी मजबूत जवान, मजबूत जवान पीढ़ी। वो कहीं से खरीदी नहीं जाएगी, वो आपको यहाँ पे तैयार करनी पड़ेगी, आपको उस पीढ़ी को तैयार करना पड़ेगा, अदरवाइज हम बहुत पीछे छूट जाएंगे। तो जरूरी है हम उस पीढ़ी को तैयार करें। पढ़ाई लिखाई ठीक है, लेकिन उसके साथ साथ वो समाज के, राष्ट्र के कैसे काम आ सकते हैं। हम तो उस परंपरा के वासी हैं जहां पे सर्वे भवन्तु सुखिने की बात करते थे, सर्वे संतु निरामया की बात करते थे, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग्यवत्। तो उस परंपरा वाले हम नशों में कहां से आ गए, कैसा हमारी आज युवा पीढ़ी है जिसको इस तरह का भी दर्शन मिलने के बाद भी हम इस तरह की गर्त में पड़ जाते हैं। और जैन धर्म में तो आपने पढ़ा होगा कि जो पांच पाप, उसमें एक नशा भी है, हिंसा, झूठ, चोरी और परिग्रह के साथ साथ एक नशा भी हमारा जो कहीं ना कहीं वो पाप है। तो जो दोनों चीजों को, हमारी आत्मा को भी और ज्यादा उससे भी शरीर को भी नुकसान पहुंचाता है। तो कहीं ना कहीं हम पढ़े लिखे होकर के इस बात पे विचार करें, नॉट ओनली फिजिकली बट आपके मेंटल स्ट्रेस, आपका जो सोशल रुतबा है वो भी गिर जाता है, आप फाइनेंशियली भी वीक होते हैं, आप इमोशनली भी वीक होते हैं, और उससे सबसे ज्यादा जो इमोरलिटी की तरफ हम चले जाते हैं। अगर मैं सिगरेट और बीड़ी की बात नहीं कर रहा, मैं नशों की बात टोटली कर रहा हूं। जब हम देखिए, जितने भी दुनिया में अपराध होते हैं उसमें मान के चलिए मोर देन 90% नशे की हालत में, जब हम अपना होशो आवास खो बैठते हैं, तो वो भी एक इमोरलिटी, झूठ, चोरी, चकारी, इस तरह की जब हम बात करते हैं। पीछे मुद्दा आया आपके एनसीआर में ज्यादा था कि पराली जला दी किसानों ने। मैं उस दिन सोच रहा था, जब किसानों का चालान कटा पराली जलाने पर, जब किसानों का चालान कटा पराली जलाने पर, क्यों नहीं चालान कटा सिगरेट जलाने पर? तो क्यों नहीं हम इनके जो कहीं ना कहीं, मैं कहता हूं पराली से तो सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड से जो हमारे पेड़ पौधे थे उनको नुकसान पहुंचता है, लेकिन जो खाता है, पीता है, उसको कितना नुकसान पहुंचाता है। और उस कार्बन डाइऑक्साइड को तो किसी ना किसी तरह से पेड़ पौधा ले ही लेता है जो पराली से आती है, लेकिन मैं कहता हूं जो सिगरेट और बीड़ी का धुआं है उसको तो पेड़ पौधा भी नहीं लेता। तो किस तरह से हम अपने शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं, अपने हमें सोचना होगा। ये हमें हमारे वतन की जो हवा में हम जहर घोल रहे हैं उसको हमें सोचना होगा, समझना होगा, तभी हम शायद इन बातों से आगे बढ़ पाएंगे। ये हम सबका फर्ज है। जब देश में इस तरह की बुराइयां हो, हमें उन बुराइयों को दूर करने का प्रयास हम सबको सामूहिक रूप से करना चाहिए। क्योंकि देश जले मैं कुछ ना बोलूं, देश जले मैं कुछ ना बोलूं, ऐसा मैं गद्दार नहीं, और अपने, जिसको मैं कहूं अपने फर्ज से पीछे हट जाऊं, ऐसे मेरे संस्कार नहीं। अगर आप डीएवी के सही विद्यार्थी हैं तो हमारा फर्ज, हमारे संस्कार भी बनते हैं कि हम इसको कैसे ठीक करें इसको। क्योंकि मैं हमेशा कहता हूं, जब इंसान के साथ आप नशा जोड़ देते हो, इंसान प्लस नशा, दैट इज इक्वल टू शैतान और हैवान। और इंसान जो मैं कहूं शैतान और अगर हैवान में से अगर नशा माइनस कर देते हो, दैट इज इक्वल टू इंसान। तो हम कहां इंसानियत से गिरते जा रहे हैं। और देखिए, ये इस तरह की बुराई है जो वो सरकार की नीति पे फिर जाएंगे, ज्यादा टाइम लग जाएगा, इजी अवेलेबल जिसको हम कहते हैं। और ये ऐसी बुराई है जहां पे बुराई एक नहीं, एक के साथ और भी बुराइयां जुड़ती है, पूरी पंगत जिसको कहते हैं बारात, बुराई के साथ ही। मंदिर में हम अकेले जाते हैं, लेकिन जब बुराई की तरफ चाहे नशा कोई भी हो, हम संगति में बैठते हैं, हम किसके साथ होते हैं। तो नशे का रास्ता मैं कहूंगा नाश का रास्ता है। लिखने में थोड़ा ही फर्क है, नशा और नाश।
तो हमें सोचना होगा जो मनुष्य जीवन हमें सौभाग्य से पुण्य से मिला है उसे हम उपयोग करें, सदुपयोग करें या दुरुपयोग करें, ये हमारे पे निर्भर करता है। हम इसको फूलों से सजाएं, इसको कांटों से हम कस पहुंचाएं, हम इसको सुगंध फैलाएं इसमें और इसमें दुर्गंध रखें, ये हम पे डिपेंड करता है। ये हमारा कि जब हम इसको किस तरह से रखें, ये हमारे पे जिसको हम कहें डिपेंड करता है। तो बुरा शौक अकेले आदमी को नहीं, पूरे परिवार को ले जाता है, पूरे समाज के लिए नुकसान होता है। अगर एक को नुकसान होता मान लेते कोई बात नहीं, लेकिन ये इस तरह का शौक, इस तरह का नशा है जो पूरे समाज के लिए, जो कहूं कहीं ना कहीं हम कहें वो समाज के लिए घातक है। और मैं तो कहता हूं कई बार युवाओं को नशा भी करो, अब आप कहेंगे उल्टा बोल रहा, नहीं उल्टा नहीं बोल रहा, मैं कह रहा हूं उस नशे को आप नशा करिए समाज में ऊंची नैतिकता का, समाज में सच बोलने का, समाज में अच्छे काम करने का, समाज में नैतिकता का, समाज में अपने कर्तव्य पालन का, तो देश प्रेम का, सदाचार का, रोज व्यायाम का, बच्चों में अच्छी जो आदतें हैं उसको विकसित करने का, तो कहीं ना कहीं हम अपने आप को कंगाली से भी बचा पाएंगे, अपने समाज को भी कंगाली से बचा पाएंगे, अपने देश को भी कंगाली से हम बचा पाएंगे। और क्यों? क्योंकि जो नशे हैं वो तो बाद में कंगाली लाते हैं, लेकिन आपका जो ये दिव्य शरीर है, दिव्य जो आपकी बॉडी है, उसको तो वो साथ साथ हार्म करते रहते हैं, बहुत सारे उस पे नहीं जा रहे कि क्या है। तो नशा करने वाला कहीं ना कहीं वो हताश निराश होकर के उसको, मैं कहता हूं उसके चेहरे पे धूल आ जाती है। सच मानिए चेहरे पर धूल है, दर्पण को बारी देना फिजूल है। जब हमारी आदतें ऐसी है और हम और चीजों पे सरकार की नीतियां, सरकार बेरोजगारी ये बातें करते रहे तो उसके कोई मायने नहीं। तो मैं मेरा जो आपसे बात करने का एक मंतव्य है वो यही है कि हम कैसे अपने जो चेहरे हैं उस चरित्र को बदलें, दर्पण को नहीं। मेरा कहने का मतलब ये है हम जो चेहरे पे धूल, जो हमारी सोच पे धूल है उसको हम कैसे दूर कर सकते हैं। और एक जो मैं कहूं फैमिली का भी रोल है, बाप अगर बेटे से, ध्यान रखिए मैं बिल्कुल ये बात आपको प्रूव करके बताऊंगा, बाप अगर बेटे से या चाचा कोई भी घर में बड़ा मेंबर अगर बच्चे से सिगरेट या नशा मंगवाता है तो आप यकीन मानिए वो एक दिन उसको टेस्ट करके भी देखेगा। मैं ये इसलिए नहीं कह रहा, मैं आपको एक कहानी सुना रहा हूं छोटी सी। एक बाप था, बड़ा अमीर बाप था, उसके दो बच्चे थे और वो अमीर बाप सब कुछ था, लेकिन मतलब वो नशे या शराबी कह लीजिए उसको, वो बहुत बड़ा शराबी था। उसके दो बच्चे हुए, अब दोनों बच्चों में जो एक बेटा था वो उससे भी बड़ा शराबी बना और दूसरा जो बेटा था वो बिल्कुल भी मतलब उसकी जो अच्छी आदतें आप आर्य समाज में डीएवी में जो डालते हैं वो अच्छी आदतें मान लीजिए, संस्कारी बेटा। तो जब किसी ने सवाल पूछा दोनों से कि आप एक तो जो पहला है नशे वाला कि आप ऐसा क्यों बने और दूसरा जो नहीं करता बिल्कुल भी अच्छा है सज्जन है उससे, दोनों से सवाल पूछा तो कह रहे हैं हमने अपने बाप से सीखा। कहते ये कैसे सीखा अपने बाप से? उसने बड़े वाले ने कहा, जो शराबी था पीता था, उस बड़े वाले ने कहा कि मेरा बाप पीता था, मेरे को लगता था बहुत इंजॉय करता है तो मैं वो इंजॉय लेके देखना चाहता था, ठीक है मान लिया। और दूसरे वाले से पूछा कि आपने क्या सीखा, आप तो बिल्कुल भी यूज नहीं करते तो आपने क्या सीखा? उसने कहा मैंने मेरे बाप की हालत देखी, मेरे बाप के शरीर को देखा कितना नुकसान हुआ तो मैंने उससे शिक्षा ली, उससे प्रेरणा ली। तो ये हम पे डिपेंड करता है हम किस तरह की प्रेरणा कहां से लेते हैं। तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि जो अगर उंगली पकड़ के आज मंदिर ले जाना सिखा दोगे तो बच्चा बुढ़ापे में तीर्थ करवा देगा, और अगर आज सिगरेट पकड़ना सिखाओगे वो धूप दीप बत्ती नहीं, अगरबत्ती नहीं पकड़ेगा, वो उन्हीं को पकड़ेगा। तो आपके संस्कार वो भी हमारे बड़े इंपॉर्टेंट है इसको छोड़ने छुड़ाने। कई बार लोग अक्सर हम यूथ से इंटरेक्ट करते हैं, बोला जी छूटती नहीं है सिगरेट। मैंने कहा भाई छूटती नहीं, कहां से छूटती, कैसे पीते हो? ऐसे पीते हैं जी पकड़ के, हम ऐसे पीते हैं पकड़ के। मैंने कहा दो उंगलियां छोड़ दो और छूट गई। कितना टाइम लगा? दो उंगलियों को तो आपने खोलना है सिर्फ, यही तो पकड़ रखी थी, यही तो पकड़ी हुई थी और इसके मैंने छोड़ दिया तो छूट गई। इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन आपकी विल पावर चाहिए। विल पावर जब होगी तो आप विन पावर भी आ जाएगी। तो विन पावर तब आएगी जब आपकी विल पावर होगी। और कई बार मैं कहता हूं कि जिसको
धृतराष्ट्र तो चाहे आंखों से अंधे थे, लेकिन हम तो कहीं ना कहीं हमारे भीतर की फूट गई है जो हम सोच नहीं पाते, पढ़े लिखे होकर भी हमारी अंदर की फूटी हुई है। और पग पग पर मौत, हम जानते हुए भी कि पग पग पर मौत का व्यापारी खड़ा है, समझ जाओ देश के युवाओं, तुम्हारे कंधों पर ये जो वतन खड़ा है, पूरा वतन खड़ा है, क्योंकि युवाओं पर, युवा कंधों पर जिम्मेवारी ज्यादा है, तो इसलिए हमें इस पीढ़ी को बचाने का भी प्रयास करना होगा। तो इसलिए मैं कह रहा था कि नुकसान के साथ साथ हम उनको ये भी बताएं, अगर हम छोड़ते हैं इसको तो इसके फायदे क्या होते हैं, क्योंकि मरने वाला तो मर जाता है, अगर हम देखते नशे वाला मर भी जाता है, लेकिन अपने साथ उस आंगन में घुसने वाली जो खुशी की किरणें हैं उसको भी खो देता है, किसी नारी का सुहाग खो देता है, किसी माँ बाप का बचपन जो बच्चा था उसके एहसानों की हत्या हो जाती है, बच्चों के जो अगर पेरेंट्स था तो बच्चों के जो भविष्य का हत्यारा हो जाता है, आदमी तो मर जाता है लेकिन वो परिवार जीते जी मर जाता है। तो उस सिचुएशन को भी हम सोच करके देखें। कई बार आता है युवा और किसान इस देश में आत्महत्याएं सबसे ज्यादा करते हैं, मेरे को किसानों का समझ में आता है कि कहीं कर्ज के कारण या कहीं आर्थिक उसका रीजन होगा, लेकिन ये किशोर, ये युवा ये क्यों कर रहे हैं? देश किसान क्या है जो देश को अनाज दे, और युवा क्या है जो देश जिसपे नाज करे? तो इन युवाओं को हमें उन कठिनाइयों से निकालना होगा जिसका हल ये नशों में ढूंढते हैं। तो एज अ टीचर हमारी भी जिम्मेदारी बनती है, और ऐसा अगर किसी लड़के में बुरी आदत पड़ भी गई है तो उसको हमने निकालना हमारी जिम्मेवारी बनती है। और ऐसा कोई नहीं है दुनिया में मैडम जिसको ठोकर ना लगी। आप और हम कितने भी बड़े हो गए, ऐसा इस महफिल में कोई नहीं है जो ठोकर जिसको नहीं लगी हो। और उसका मैं एग्जांपल देता हूं, आप में से कोई ऐसा नहीं है जो कभी फेल ना हुआ। आप कहेंगे हम तो हर क्लास में पास हुए। नहीं, मैं उस फेल की बात नहीं कर रहा, मैं उस फेलियर की बात कर रहा हूं जब बचपन में आप चलते हुए गिरे थे। आपने क्या किया? चारपाई का, माँ बाप का सहारा लेके आपने कोशिश की और आप चलते गए, दौड़ते गए, और आप यहां तक पहुंचे, और भगवान करे आप ऊपर भी पहुंच जाए। ऊपर का मतलब मैं गलत मत सोचना, ऊपर का मतलब है आप ऊंचाई जा चुके। तो इसका कहने का मतलब क्या है कि हो सकता है कहीं गलती हो गई हो, लेकिन उसका मतलब नहीं है। इंसान वही है जो गलतियों से सीखता है, क्योंकि मैं अक्सर इंसान के लिए कहा करता हूं, मंजिलें इंसान के हौसलों को आजमाती है, सपनों के पर्दों को आंखों से हटाती है, किसी बात की हिम्मत ना हारना, ये ठोकरे हैं जो इंसान को चलना सिखाती। हो सकता है कोई गलती हुई हो, लेकिन हम उससे सबक लें, जरूरी ये है हम उससे सीखें। हजारों रास्ते हैं जीने के, सुसाइड करना कोई रास्ता नहीं है, जीने के लिए हजारों रास्ते हैं। मैं कहता हूं सिंपल, मेरे बाहर एक पेड़ लगा हुआ है, मैं उस पेड़ को देख करके भी जी सकता हूं, जो जीने की आस कभी नहीं छोड़ता, धूप में भी, जब उस पे बरसात ज्यादा होती है, सर्दी ज्यादा होती है, जो गर्मियों का मौसम आता है, लेकिन वो जीने की आस नहीं छोड़ता, चाहे पतझड़ में पतझड़ की बात हो, उस पे वो कभी आशा उम्मीद नहीं छोड़ता। वो फिर भी हम उस पेड़ की तरह जीना सीखे, शायद मैं उस सावन में हरा हो जाऊंगा, शायद ये दिन ठीक नहीं है तो मेरे को कोई परेशानी आज है तो शायद हो सकता है आने वाले टाइम में मेरा सब कुछ ठीक हो जाए। तो हम इस तरह की मनसा के साथ अगर काम करेंगे तो मैं कह सकता हूं कि हजारों रास्ते हैं जीने का। और नशा ना करें गबरू जवान, रल मिलकर बचाएं अपना हिंदुस्तान। ये मेरा और आपका सबका फर्ज बनता है, हम इस हिंदुस्तान को किस तरह से बचा सकते हैं, किस तरह से आगे ले जा सकते हैं। और मैं ये क्यों कह रहा हूं, मैं नहीं कह रहा, दादा मासूम गाजियाबादी हैं, उनके बड़े अच्छे एक शब्द है, मेरे को अच्छा लगा, इससे जुड़े हैं कि उम्मीद हमारी युवाओं से है, यूथ से है। उन्होंने कहा था कि ये नगमा निगार उनको कह रहे थे गाने बजाने वालों के लिए, वो ये नगमा निगार परिंदे हैं, जुबाने मत काटो इनकी, इन्हीं की जुबानों से कल तेरे किस्से बयां होंगे, अभी पिछली कतारों के मुसाफिर ही सही, लेकिन वो दिन भी आएगा जब ये तेरे कारवां होंगे। तो युवा है जो देश को, समाज को आगे ले जाता है। तो हम युवाओं की पहचान नशा न करें। कई बार युवा एक आधा मतलब कम होते हैं लेकिन बोलते हैं ये तो हमारी मर्दानगी की पहचान है। मैं कहता हूं रोड पे पड़ा रात को शराबी सबसे बड़ा मर्द है, अगर वो सारे दिन रात पड़ा रहता है तो इतिहास में ऐसे कायरों का इतिहास नहीं लिखा जाएगा। इतिहास में आने के लिए आपको सकारात्मक, आपको सही काम करना पड़ेगा ताकि ये समाज आपकी मर्दानगी पे फक्र कर पाए। तो इस तरह के मर्द, इस तरह के मर्दानगी वाले लोग हमें तैयार करने पड़ेंगे, जो नशे रूपे
जो नशे रूपी इसका सहारा लेते हैं उनको मैं कायर कहता हूँ, उनको मैं मूर्ख कहता हूँ, तो उनकी अपनी उनको अनपढ़ता की पहचान कहता हूँ जो नशे को चुनते हैं। तो कहीं ना कहीं नशा हम पे हावी ना हो, नाव तट से बंधी लेकिन लहरों की मनमानी ना हो। मैं टीचर और जो सिखाने वाले साथी हैं उनके लिए कह रहा हूं मैं कि हमारा फर्ज बनता है कि हम उस बच्चे को जो किसी भी कारण से उस गलत रास्ते पे चला गया है उसको सही रास्ते पे किस तरह के लेके आए, कि हमारा फर्ज है वो नाव तट से बंधी लेकिन लहरों की मनमानी ना हो। देख माँ जी, नाव को इस पार से उस पार जाने में परेशानी ना हो, नाव तो पानी में हो लेकिन नाव में पानी ना हो, नाव में पानी ना हो। तो ये हमने दिशा देनी है उन युवाओं को, उनसे कोई नादानी ना हो, क्योंकि नशेबाज से तो सारे पीछे हटते हैं, चाहे उसका परिवार है चाहे दूसरे लोग हैं, वो सारे पीछे हटते हैं। और इवन आप में से जितनी लड़कियां सुन रही होंगी, मैं उनसे पूछना चाहूंगा कितनी लड़कियां हैं अगर अनमैरिड है और वो नशेबाज से शादी करना चाहे, तो कोई भी नहीं चाहता, तो अच्छी बात नहीं है। क्योंकि आपके खानदान के जरूरी, खानदान के साथ साथ जरूरी है आपका खान पान कैसा है। और कई लड़कियां मैंने कहती सुनी है, मैं गरीब घर में रह लूंगी लेकिन नशेबाज के साथ में रहना पसंद नहीं करूंगी, चमचमाती कार भैसक से ना मिले लेकिन मेरे को परिवार जो है वो संस्कार वाला मिले, नशे वाला संस्कार ना हो। हर माँ बाप हर बेटी यही चाहती है। तो हम भी अपना फर्ज फर्ज अदा करें, क्योंकि क्या होता है कई बार डोली जैसे उठती है और उसके कुछ दिन बाद ही अर्थी भी उठ जाती है अगर इस तरह की गलत आदतें ज्यादा हो जाए। तो किस्मत को कभी दोष मत देना जनाब, किस्मत को कभी दोष मत देना जनाब, इंसान के रूप में जीवन मिला है, यह किस्मत नहीं तो और क्या है। हम किस्मत को कोसते रहते ना, मेरा तो ऐसा था, मेरा तो ऐसा था। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मेरा किस परिवार में जन्म होगा, आपका किस परिवार में जन्म होगा, ये आपके मेरे हाथ में नहीं था, ये भगवान की मर्जी थी। हमने अगर मेरा अच्छे परिवार में जन्म नहीं हुआ, मैंने कह दिया ये तो भगवान की मर्जी थी, तो मैंने भगवान पे डाल दिया। दूसरी सिचुएशन में कहता हूं, मेरी मैरिज किस लड़की या लड़के से होगी ये मेरे माँ बाप ने तय किया, अगर मेरे को जीवन साथी अच्छा नहीं मिला तो मैंने उसका दोष भी मेरे माँ बाप को दे दिया। एक में मैं भगवान को दे रहा हूं, एक में मैं बाप आपको दे रहा हूं। लेकिन मैं तीसरा सवाल आप युवा साथियों से पूछना चाहता हूं, अगर आपने गलत संगति चुन ली जिसमें ये सारी गलत आदतें हैं, तो मैं उससे पूछना चाहता हूं कि आपके माँ बाप ने आपको दोस्त सजेस्ट किए थे या उस भगवान ने दोस्त सजेस्ट किए थे, दोनों में से किसी ने नहीं किया, ये आपका चुनाव था। तो आप उसके लिए दोस्त भगवान को या पिता को माता को नहीं दे सकते, क्योंकि ये आपका चुनाव था। आपकी संगति में किस तरह के लोग बैठेंगे, किस तरह के लोग आपके साथ होंगे, ये आपकी संगति पे डिपेंड करता है। तो लाइफ, जैसे मैं कह रहा था, आप लाइफ को स्वर्ग बना लो नरक बना लो, आपके हाथ में। और कई युवा साथी जब आप जॉब के फील्ड में जाएंगे, आपको लगता है कि मेरे को 5 फिगर में सैलरी मिलनी चाहिए, 6 फिगर में सैलरी मिलनी चाहिए, मैं उसका विरोधी नहीं। 5 फिगर ठीक है, 6 फिगर ठीक है, लेकिन इस फिगर का भी ध्यान रखना है, इसको कैसे बचाना है, वो भी मेरा और आपका फर्ज है। हम इस लाइफ के, इस मैं कहूं शरीर को बेटर बनाएं या बिटर बनाएं, ये आप पे और मेरे पे डिपेंड करता है। हम इसको जरूर इन बातों का ध्यान रखें और जुड़े रहना लास्ट तक। साथियों, होता क्या है, जब मैं बोलता हूं शुरू में ज्यादा लोग होते हैं लेकिन धीरे धीरे उठ के चले जाते हैं। मैं अक्सर बोलता हूं कि मेरी महफिल में बहुत भीड़ थी साहेब, मेरी महफिल में बहुत भीड़ थी साहेब, फिर मैं सच बोलता गया और लोग उठकर चलते गए। तो मेरा कहने का मकसद क्या है, जो मैं आपसे साझा कर रहा हूं उसका मतलब यही है कि हम कैसे अपने जीवन में से इन चीजों को निकाल करके ले पाएंगे, निकाल पाएंगे। क्योंकि देखिए, आज मैं कोरोना दौर की बात कर रहा हूं, यहां पे दोनों चीजें, आप दो चीजों पे आपका द्वंद है, जीवन और जीविका। अब कई लोग कहते हैं मेरे इकोनॉमी का, जीवन जीविका का क्या होगा। मैं उनको अक्सर कहता हूं, ठीक है, जीवन भी इंपॉर्टेंट है, जीविका भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन अभी क्या है, जीवन बचाना इंपॉर्टेंट है। और जैसे मैडम बोल रहे थे कि अगर हम, ये कोरोना भी उन्हीं को ज्यादा है जिनकी आदतें खाने पीने की बेकार है, तो उसमें बहुत सारी चीजें हैं, वो तो हेल्थ पे तो अलग से बात करते हैं। तो जीवन और जीविका, उसके लिए आपका ठीक है, जीवन चलाना जरूरी है, जीवन में कमाना जरूरी है, लेकिन उन दोनों के लिए इस शरीर को बचाना जरूरी है। तो कमाना भी है
चलाना भी है लेकिन बचाना भी है इस शरीर को। तो कहने का मतलब क्या है कि हम अपने जो शरीर है, हमारी हेल्थ है, उसको बचाएं, अपनी सक्रियता को बढ़ाएं, उदासीन ना बने। अगर किसी साथी को हमारे जानकारी में, हमारे आसपास में किसी को गलत आदत पड़ भी गई है, तो ये मेरा और आपका फर्ज बनता है हम सक्रिय बन के उसकी आदत को कैसे छुड़वाएं, उसकी आदत को ठीक कैसे करें। हम अगर ये नहीं कर पाए तो अगली पीढ़ी हमारे से पूछेगी कि हम इस समाज को बनाने वाले में थे या बिगाड़ने वालों में। एक छोटी सी कहानी मैं आपके साथ साझा कर रहा हूं सकारात्मकता पे कि हमारा रोल क्या है। एक छोटी सी चिड़िया पास के तालाब में आग लगी। समाज में बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं सर जो मैडम ये बोलते हैं कि हमारे प्रोग्राम करवाने से कौन सा ही बदलेगा। ये क्या है, ये नकारात्मक सोच है। हमारी सोच क्या है कि हम अगर एक को भी बदल पाए इस प्रोग्राम से, इतने लोगों में से, हम सबके सामूहिक प्रयास से, तो हमारी एक बड़ी अचीवमेंट होगी। तो जब वो चिड़िया पास के तालाब से चोंच भर भर के उस जंगल की आग पे डाल रही थी, तो एक काला कौवा था। उस काले कौवे ने कहा कि चिड़िया बहन जो तू ये कर रही है, काला कौवा क्या है, नकारात्मकता का प्रतीक। जो समाज में लोग बोलते हैं कि इस प्रोग्राम से कुछ नहीं होगा, ये तो ऐसे ही चलेगा, समाज तो, देश तो ऐसे ही चलेगा। तो नकारात्मकता का प्रतीक काला कौवा कहता कि चिड़िया बहन जो तू ये कर रही है, तेरे करने से कौन सा जंगल की आग बुझ पाएगी। चिड़िया का जवाब हम सबके लिए सुनने वाला था। चिड़िया ने कहा, कौवे भाई मैं मानती हूँ, जानती हूँ इस चोंच की बूंद से आग नहीं बुझ पाएगी, लेकिन एक बात याद रखना, जब भी जंगल की आग का इतिहास लिखा जाएगा, मेरा नाम आग लगाने वालों में नहीं, आग बुझाने वालों में आएगा। तो हमारा रवैया कैसा हो, अगर हम इस समाज को बचाना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं, अगली पीढ़ी को ये बताना चाहते हैं कि हम समाज को बिगाड़ने वाले नहीं, समाज को बनाने वालों में थे। वो सरफरी हवा थी, वो सरफरी हवा थी जहां संभलना पड़ा मुझे, वो सरफरी हवा थी जहां संभलना पड़ा मुझे, मैं आखिरी चिराग था, जलना पड़ा मुझे। तो मैं अपने परिवार के प्रति, अपनी संस्था के प्रति, अपने समाज के प्रति और अपने देश के प्रति अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए इस बात का मैं ख्याल रखूं। और हमारा जो सबका मकसद इस कार्यक्रम से जो भी जुड़े हुए हैं, हमारा मकसद क्या है, इस आज के दिवस पे हम प्रण ले कि कोई भी साथी जो किसी भी वजह से गलत संगति में पड़ गया है, उसको कैसे बाहर निकाल सकते हैं, उसको कैसे बचा सकते हैं। तो हमारा सबका मकसद यही होना चाहिए कि वन के पंछी है अनेको पर ठिकाना एक है, वन के पंछी है अनेको पर ठिकाना एक है। सबकी भाषा अलग, हमारे एरिया अलग हो सकते हैं, हमारे सब्जेक्ट अलग हो सकते हैं, काम अलग हो सकते हैं, लेकिन आज तो एक मकसद के लिए इकट्ठा हुए कि वन के पंछी अनेको पर ठिकाना एक है, सबकी भाषा अलग अलग पर तराना एक है, और यदि दिल में हो मंग सारा जमाना एक है, हम शिकारी भिन्न भिन्न लेकिन निशाना एक है। निशाना क्या है, इस समाज को इस बुराई से मुक्त करना। तो खुद को भी बचाएं और दूसरों को भी बचाएं, तो अपनी जिम्मेवारी निभानी होगी हमें। और मैं यकीन विश्वास भरोसे के साथ कह सकता हूं, अगर हम अपने मिजाज को मिजाज से, दूसरों के मिजाज से मिला ले, अपने हाथ को दूसरों के हाथ से मिला ले, अपनी आंखों को आंखों से मिला ले और दिल को दिल से मिला ले, तो मैं कह सकता हूं ये बुराई भी जो समाज में है वो दूर हो सकती है। मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि युवा साथी है जिनके बलबूते पे हम कुछ नहीं कर सकते हैं। युवा तो वो है जिसके कंधे पे सारे राष्ट्र का मैं कहूं भार है, और यही है जहां से इस राष्ट्र का जो मैं कहूं जो आगे टाइम आएगा, फ्यूचर है जो नजर आ रहा है। तो मैं उन युवाओं के लिए कह रहा हूं कि आप पर सारा का सारा दारमदार है, कि दोस्तों की मोहब्बत से दिल घबरा रहा था, अभी तो सपना है ही हमारा, लेकिन सपना आगे है, अभी फ्यूचर की बात कर रहा, कि दोस्तों की मोहब्बत से दिल घबरा रहा है, जो कभी था सपना वो सब हकीकत नजर आ रहा है। माना कोसो दूर मदीना, अभी हमारी मंजिल दूर है, माना कोसो दूर मदीना, पर मदीना यहीं से नजर आ रहा है, पर मदीना यहीं से नजर आ रहा है। मदीना यहीं से नजर आने का मतलब वो उम्मीद, वो होप सारी हमारी युवाओं पे है। तो मेरी जुबान चलती रहे, उससे अकेला काम नहीं बनेगा, तो आपके काम भी चले, आपके कर्म भी साथ चले, तब शायद हम इस बात से आगे बढ़ पाएंगे। तो जरूरी है हम अपने साथ साथ, अपने मेरी जुबान के साथ साथ आपके कर्म भी चले। और आपके आपको हमारा मकसद इस प्रोग्राम का यही है कि आप स्मार्ट बने। स्मार्ट मीन्स, मैं स्मार्टनेस मेरी दूसरी है, एस मीन्स सेंसिटिव संवेदनशील, एम मीन्स मोटिवेटेड, ए मीन्स अलर्ट अवेक, और आर मीन्स रिस्पॉन्सिबल, और टी मीन्स जिसको हम कहते हैं टैलेंटेड। तो स्मार्ट बच्चे हमें चाहिए, और जो नशा करता है उसका स्वभाव हमें बदलना है, उसकी नीयत हमें बदलनी है। हमने सिपाही नहीं, हमने ये नहीं कि उससे हम हेट करने लग जाते हैं, कई बार हमने उससे घृणा नहीं करनी, हमने सिपाही नहीं हथियार बदलना है,
हमने मुसाफिर नहीं, हमने रास्ता बदलना है, हमने मरीज नहीं अस्पताल बदलने हैं, हमने विद्यार्थी नहीं स्कूल कॉलेज बदलने हैं, हमने युवा नहीं उसकी नियत और स्वभाव को बदलना है। तो स्वभाव बदलना बड़ा जरूरी है। और ये कब होता है, जब हम सोचते हैं मेरे परिवार में तो बुराई है नहीं, मेरे को क्या फर्क पड़ता है। देखिए धीरे धीरे ये बुराई आपके और मेरे घर तक भी आ सकती है अगर हम उस पर काम नहीं करेंगे। तो ये जो डीएवी ने प्रयास किया है, मैडम प्रिंसिपल और उनकी पूरी टीम ने, विजयवंती मैडम की टीम ने पूरी, मैं उसके लिए कहता हूं कि आज के दौर में जहां हम उम्मीद छोड़ बैठे थे, तो ये डीएवी आपको हौसला दे रहा है कि माना कि तेरे पास खाली गिलास है, माना कि तेरे पास खाली गिलास है, लेकिन इतनी तो तसल्ली रख कि तू सुराही के पास है। तो ये युवा आपके अंडर में काम कर रहे हैं, ये बड़ी अच्छी बात है, आप इनको उम्मीद दे रहे हैं इस पेंडेमिक के टाइम में भी, बड़ी अच्छी बात है। क्योंकि हमने लम्हे बहुत देखे हैं, हमने ये लम्हे भी बीत जाएंगे। देखिए ये टाइम है, कोई बात नहीं, ऐसा नहीं कि हम इस निराशा कुंठा में हताश होकर के जीना छोड़ दें, नो, हमने कहें लम्हे बहुत देखे हैं हमने, ये लम्हे भी बीत जाएंगे, छोटी छोटी बात पर अमल करो फिर हम सब जीत जाएंगे। वो जो मैडम कह रहे थे कि छोटी छोटी बातें हैं लेकिन उन पर अमल करना है, छोटी छोटी बातों पर अमल करो और फिर हम जीत जाएंगे। वो छोटी छोटी बातें क्या है जो आपके टीचर्स ने, आपके पेरेंट्स ने, आपके बड़े बुजुर्गों ने बताई, वही छोटी छोटी बातें हैं। और आज कोरोना के दौर में मैं आपको एक मैसेज भी दे रहा हूं कि हम जो सरकार की हिदायतें हैं वो छोटी छोटी बातें हैं। एसएमएस, एसएमएस क्या है, सैनिटाइजेशन, मास्क, और तीसरा सोशल डिस्टेंसिंग, उसको हम बोलते हैं लेकिन फिजिकल डिस्टेंस है वो, और चौथा वैक्सीनेशन। तो ये क्या है, हम उनको ध्यान रखेंगे। और जो मैं कह रहा था कि ये नहीं कि मेरे परिवार में नहीं है, मेरे को क्या फर्क पड़ता है, धीरे धीरे आपके और मेरे घर तक बुराई आ जाएगी। जंगल के एक कोने में आग लगती है, दूसरे कोने में खड़ा पेड़ सोचता है मेरे को क्या फर्क पड़ेगा, धीरे धीरे आग वहां तक भी पहुंच जाती है। तो हमें सोचना होगा, हमें बचाना होगा, और अपनों को भी और दूसरों को भी। अपनों को तो हम बचा लेते हैं लेकिन दूसरों पर हम फिर थोड़ा सा कहीं ना कहीं रिलेक्टेंट हो जाते हैं। तो जरूरी है हम अपनों को भी बचाएं और जो दूसरे हैं उनको भी बचाएं। वो एक गाना आपने सुना होगा, झुमका गिरा रहे बरेली के बाजार, तो उस पे मैं सोच रहा था कि अपनों को भी बचाना और दूसरों के, कि बुढ़िया लड़खड़ाई तो झुककर, बुढ़िया लड़खड़ाई तो कोई झुककर उठाने को तैयार नहीं हुआ, और गोरी का झुमका क्या गिरा, सारा बाजार घुटनों पे आ गया। तो हम अपनों को तो बचाते हैं लेकिन दूसरों को बचाने के लिए हमने काम करना है। तो जरूरी है हम अपने आप को भी बचा पाए, अपनों को भी बचा पाए, ठीक है, और जो दूसरे हैं हम उनको भी बचा पाए, जरूरी है, के लिए भी हमें काम करना। तो हम इस उम्मीद के साथ, ठीक है प्रॉब्लम्स हैं समाज में, बुराइयां हैं, कुछ युवा कहते हैं कि हम नशा इसलिए करते हैं, बहुत सारी समस्याएं हैं, बेरोजगारी जैसी समस्याएं हैं, लेकिन मैं उन मूर्खों को कहता हूं, ए मूर्ख नजर उठा के देख, काम करने की ललक है तो इस देश में बहुत सारे काम, बहुत सारे उदाहरण हैं जो पढ़े लिखे भी नहीं थे लेकिन इतने अच्छे काम कर गए, चाहे मैं बाबा रामदेव का नाम लूं, चाहे धीरूभाई अंबानी का नाम लूं। और एक छोटी सी कहानी सुना आपको लास्ट में, एक जुलाहा था और बहुत ही अच्छे कपड़े बुनता था, तो कुछ शरारती बच्चे, नशेबाज कह लीजिए, या मैं इसको जोड़ रहा हूं स्टोरी, कुछ शरारती बच्चे थे तीन चार, वो उस जुलाहे के पास जाते हैं और उसने कहा ये साड़ी कितने रुपए की, उसने कहा उस टाइम के जमाने में फॉर एग्जाम्पल 10 रुपए। वो शरारती लड़का था, उसने उठाया और साड़ी के 2 टुकड़े कर दिए, कहता अब कितने की है, ये तो आधी हो गई, कहता ये 5-5 रुपए की। उसने और टुकड़े छोटा कर दिया, अब कितने की है, कहता 2.5 रुपए की। उससे और छोटा किया, अब बिल्कुल ही उसको तार तार कर दिया, तो कहता ये अब कितने की है। तब उसने कहा कि अब ये कितने की भी नहीं। तो लड़के बड़ा शर्मिंदा हुआ कि मैंने क्या कर दिया, तो उन्होंने पूछा कि अब ये कितने के, उसने कहा ये कुछ, अब इसको, इसकी कोई कीमत नहीं है, ये किसी काम की नहीं। तो लड़के ने अपनी सॉरी फील करते हुए उसको 10 रुपए या जितने की भी थी उसको देना चाहा, तो उसने मना कर दिया, कहता है अब ये 10 रुपए लेकर के भी ये साड़ी तो किसी के काम की नहीं रही, मैं क्या करूंगा। और उसने 10 रुपए नहीं लिए, बच्चा वो चारों पांचों और भी ज्यादा जिसको गिल्टी फील होती है, तो वो कहते हैं कि आपने पैसे नहीं लिए, क्यों नहीं लिए, क्या है। तो उसने कहा, वो बड़े रईस घर के बच्चे थे चारों पांचों, तो उसने कहा जरूरी है
जिंदगी में आपका अहंकार नष्ट हो। जिंदगी में साड़ी तो मैं और भी बना लूंगा, दूसरी तीसरी बना लूंगा मैं, कोई बात नहीं मेहनत करके, लेकिन इस साड़ी के पीछे मैं ही नहीं था, इस साड़ी के पीछे वो किसान था जिसने कपास को खेत में उगाया था, वो भगवान था जिसने पानी लगाया था, वो मेरी बीवी थे, मेरी बीवी थी जिसने कपास से धागे बनाए, उन कपड़ों को रखा और उसके बाद मैंने अपनी मेहनत लगाई, तो मैं उनकी मेहनत को कैसे चुका पाऊंगा। तो बड़े शर्मिंदा हुए, उन्होंने कहा यही लेसन है कि जिंदगी के जो आपके अहंकार है वो नष्ट होना चाहिए, साड़ी तो मैं दूसरी भी बना लूंगा। तो वो कौन थे? वो कोई और नहीं, जुलाहा कबीर थे, जुलाहा कबीर थे। तो ऐसे शिक्षक हमें देश में चाहिए जो इस तरह की शिक्षा हमारे बच्चों को इस बुराई को कम करने में रोक पाए या उसको कम कर पाए। तो कहीं ना कहीं जो इस तरह के, और एक और मैं जोक सुनाता हूं कि एक परिवार था, उस परिवार में एक लड़के को जो बच्चा युवा था उसको बीड़ी सिगरेट पीने की आदत पड़ती थी, और हम कहते हैं योग करेंगे स्वस्थ रहेंगे, प्राणायाम करेंगे, शारीरिक एक्सरसाइज करेंगे स्वस्थ रहेंगे। तो उनके माँ बाप ने एक योग गुरु के आश्रम में भेज दिया उस बच्चे को कि ताकि वो नशा छोड़ दे। लेकिन हुआ क्या, 6 महीने बाद वो बच्चा आ गया, उसने बीड़ी सिगरेट पीना छोड़ दिया, लेकिन हाथ से अब वो पैर से पीने लग गया। तो कहने का मतलब क्या है, नए नए बहाने मत ढूंढे, नए नए बहाने हम इस तरह के नहीं ढूंढे, क्योंकि हमारा इस संसार में जन्म समाज में मुर्दों को फूंकने के लिए नहीं हुआ, जो मुर्दा पड़ चुका समाज है उस मुर्दा पड़े समाज में प्राण फूंकने के लिए हमारा जन्म हुआ है। और मुर्दा क्या है समाज में, उसको कहते हैं विकृतियां, समाज की बुराइयां, तो हम उसको कैसे दूर कर सकते हैं। तो ये हमारा एक पर्याय होना चाहिए, हम समाज में आग लगाने वालों में नहीं, समाज में बाघ लगाने वालों में। बाघ लगाने का मतलब हम समाज में अच्छाई को, सुपर समाज का निर्माण कैसे कर सकते हैं, क्योंकि हर एक जिस्म घायल, हर एक रूह प्यासी, निगाहों में उलझन, दिलों में उदासी, ये दुनिया है या आलम में बदहवासी, ये दुनिया अगर मिल जाए तो कहने का मतलब हमने इस समाज में प्राण फूकने हैं, इस समाज में जो बुराइयां हैं उनको दूर करना है। संभल जाओ ए मेरे युवाओं, ये देश तुम्हारे कंधों पे खड़ा है, संभल जाओ ए युवाओं, ये देश तुम्हारे कंधों पे खड़ा है। थोड़े दिन पहले एक फिल्म आई थी उड़ता पंजाब, तो मेरी आपसे गुजारिश है उड़ता हरियाणा ना बनाने पड़े और इस तरह की अगली फिल्म ना बनाने पड़ी। यही आपने इंटरनेट के माध्यम से देखी होगी, लेकिन इंटरनेट से भी जरूरी है आपका इंटरनल मजबूत। इंटरनल मजबूत कब होगा, जब हम इन बुराइयों से बचेंगे। तो जरूरी है हम अपनी युवा पीढ़ी को किस तरह की संगति में रहना है, किस तरह के संस्कार है ये सिखा पाए। हम नशा करने वाले नहीं, हम दशा ठीक करने वाले होने चाहिए, क्योंकि हमारा मकसद क्या है कि हमारी जो युवा पीढ़ी है वो किस तरह की हो कि वो आगे समाज को दिशा देने वाली हो, समाज को रास्ता देने वाली हो, कि एक हृदय ऐसा भी होगा जिसके धीरज हम होंगे, एक सरोवर ऐसा भी होगा जिसके नीरज हम होंगे, माना उजियाली रातों के टिमटिमाते तारे हैं लेकिन एक दिन ऐसा भी होगा जिसके सूरज हम होंगे। तो आप जो सुन रहे हैं वो सारे सूरज बने, सारे इस समाज को दिशा देने वाले बने, और वरना क्या होता है, जैसी आपकी संगति होती है वैसी, जैसी आपकी संगत वैसी आपकी रंगत हो जाती है। वो जो बर्फ का वो शरीफ टुकड़ा, बर्फ का वो शरीफ टुकड़ा जाम में क्या गिरा, देता जब तक अपनी सफाई खुद खराब हो गया। तो हमारी संगति है, हमें सोचना है हम किस संगति में रहते हैं, और अगर हम एज अ टीचर मैं कहूंगा युवाओं को दिशा दे पाए तो समाज अच्छा होगा, देश अच्छा होगा। तो युवाओं को दिशा देने के लिए हमें आज स्कूल कॉलेज से प्रोग्राम